हेलो फ्रेंड्स, सिंपल फूड्स में आपको स्वागत है। मेरे सिंपल फूड चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज हम सिंपल फूड्स में बनाएंगे चिकन ब्रेड पिज्ज़ा। ये बच्चों को बड़ों को बेहद पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई करके देखिए। चलो चिकन ब्रेड पिज्ज़ा कैसा बनाते हैं देखेंगे। इसके लिए 4 से 5 ब्रेड स्लाइस ले लेंगे, 150 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन को इसी तरह छोटे छोटे पीस कर लेंगे, क्लीन करके छन्नी में डाल के एक्स्ट्रा वाटर निकाल लीजिए। 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब काली मिर्ची पाउडर नहीं डालना चाहे तो लाल मिर्ची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून पिज्ज़ा सॉस, नहीं तो केचप भी ले सकते हैं, टोमेटो केचप। 1 कप ग्रेटेड मोजरेला चीज़, 2 टेबलस्पून कटे हुए आलूज, 2 से 3 टेबलस्पून बटर, चीज स्लाइस, 2 चीज स्लाइस ले ली हूँ मैं, ये ऑप्शनली है। अब नहीं डालना चाहे तो मत डालिए। 1 मीडियम साइज कटी हुई प्याज, 3 से 4 टेबलस्पून कटे हुए कैप्सिकम, टमाटर 1 मीडियम साइज कटा हुआ टमाटर, टमाटर में बीज निकाल के इसी तरह काट लेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुआ लहसुन, 1 टीस्पून ओरिगैनो, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टेबलस्पून ऑयल। चलो इसे कैसे बनाते हैं देखेंगे। फर्स्ट एक पैन ले लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। ये पैन गर्म होने के बाद इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद ये बोनलेस चिकन को डाल देंगे। चिकन के पीस छोटे छोटे कर लीजिए तो ही जल्दी पक जाएगा। अब ऐड कर देंगे हल्दी, काली मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, डाल के अच्छा सा मिक्स कर देंगे। ये अच्छा सा मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक चलाते हुए फ्राई कर देंगे ये ऑयल में चिकन को। थोड़ी देर बाद चिकन में से जूसेस निकलेंगे, जो पानी वो पानी पूरा चिकन को ही लग जाने तक, ड्राई होने तक चलाते हुए फ्राई कर देंगे। पानी ड्राई हो जाने के बाद 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। एक बार मिक्स करके ढक के पैन को 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रख के पकाएंगे। 5 मिनट के बाद चेक कर लेंगे, इसमें पानी थोड़ा एक्स्ट्रा है। ये पूरा अच्छा सा ड्राई कर देंगे हाई फ्लेम पर रख के चलाते हुए। चिकन तो ये पक गया है, अब देख सकते हैं। आपका चिकन नहीं पका हो तो और थोड़ी देर चिकन को पका लीजिए। अब गैस की फ्लेम को 1/2 कर देंगे। ये प्याज, कटे हुए टमाटर, कैप्सिकम, चिल्ली फ्लेक्स, लहसुन को डाल देंगे, इसमें कटी हुई लहसुन को सब डाल के अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। चाहे तो 1 मिनट तक आप पका भी सकते हैं, मैं नहीं पका रही हूँ। ओरिगैनो, स्वाद अनुसार नमक, नमक को देख के डाल लीजिए, क्योंकि चिकन में भी हम नमक डाले हैं, इसलिए अब देख के नमक को डाल लीजिए। इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। टॉपिंग रेडी हो गई है। अब ब्रेड पिज्ज़ा कैसे बनाते हैं देखेंगे। एक ब्रेड स्लाइस लेके उसको एक बटर अप्लाई कर देंगे एक साइड, जो आप बटर अप्लाई करें से साइड को नीचे साइड रख देंगे इसी तरह। अब थोड़ा सा पिज्ज़ा सॉस लेके अप्लाई कर देंगे ब्रेड स्लाइस को। आप टमाटो केचप भी ले सकते हैं, पिज्ज़ा सॉस ना है तो आपके पास। अप्लाई करने के बाद ये चीज़ स्लाइस लेके ये ब्रेड पे रख देंगे। ये ऑप्शनली है, आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसी तरह ही बना सकते हैं। अब ये टॉपिंग लेके ये ब्रेड पे रख देंगे।
ये क्वांटिटी अपने हिसाब से रख लीजिए। तो आप ज़्यादा खाएंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लीजिए, देख के एक स्पून से 1.5 स्पून तक रख सकते हैं। ये टॉपिंग रखने के बाद ये चीज़ लेके इस पे स्प्रेड कर देंगे, ये पूरा चीज़ भी। अब ज़्यादा पसंद करेंगे तो एक्स्ट्रा ले लीजिए। अभी ऑलिव्स को थोड़े से रख के साइड में रख देंगे ये पिज्ज़े को, इसी तरह और एक पिज़्ज़ा भी बना देंगे। सेम प्रोसेस ही है इसमें, मैं चीज़ स्लाइस नहीं रख रही हूँ इसमें, इसी तरह बना लीजिए आप। नहीं है तो इसमें चाहे तो और पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करने के बाद ब्रेड को तब चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आलूस थोड़े से रख के उसको साइड में रख देंगे। इसी तरह बना लीजिए, 3 से 4 पिज़्ज़ा बन जाएंगे। अब एक पैन लेके गैस को ऑन कर देंगे। पैन अच्छा सा गर्म होने के बाद गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। अब ये ब्रेड पिज्जे को तवे पे पैन पे रख देंगे, रख के लो फ्लेम पे ही 4 से 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे, चीज मेल्ट होने तक पकाएंगे। 5 मिनट हो गए ही, अब चेक कर देंगे। देखो ये चीज पूरा अच्छा सा मेल्ट हो गई है। अब देख सकते हैं गैस के फ्लेम को लो ही रख के पका लीजिए, नहीं तो नीचे से जल जाएगा ये। अब ये प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरह दूसरा पिज्ज़ा भी बना देंगे, सेम प्रोसेस ही है। चाहे तो आप चीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा भी डाल के बना ले सकते हैं। बेबी रेडी हो गया है, प्लेट में निकाल देंगे। रेडी हो गई ही ब्रेड चिकन पिज़्ज़ा। अब इस पिज़्ज़े को चाकू या पिज़्ज़ा कटर के साथ कट कर लेंगे। देखो बिना कट करके भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो ये पिज़्ज़े पे थोड़े से ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर सकते हैं। बच्चों को होगा तो अवॉइड कर दीजिए चिली फ्लेक्स को, आसानी से बना सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको बेहद पसंद आएगी। कैसी लगी फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।